जय भीम साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानून पर स्टे लगाकर जिस कमेटी का गठन किया है उस पर पक्षपात के आरोप अभी से ही लग चुके हैं। इस कमेटी के चार मेंबर्स के अभी तक जो पब्लिक में बयान आए हैं वह खेती कानून लागू करने के पक्ष में रहे हैं, यानी मोदी सरकार के पक्ष में। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हुई है कि ऐसी कमेटी गठन करना जो निष्पक्ष नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को खरी कोटी सुनाकर भी खेती कानून पर स्टे लगाकर दिखावा कर रहा है, या सीधा सीधा छल है ये किसानों के साथ? ये कमेटी कोर्ट ने खुद अपनी तरफ से बनाई है, किसानों से बातचीत करके नहीं। इन चारों मेंबर्स ने हमेशा कृषि में निजी कॉरपोरेट नेतृत्व वाले बाजार के पक्ष में आवाज उठाई है। देखते हैं कि इन चार कमेटी मेंबर्स ने खेती कानूनों पर क्या क्या कहा है। अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखते हुए कहा कि इन कानूनों का आर्थिक औचित्य किसानों को अपनी उपज बेचने और खरीदारों को खरीदने और स्टोर करने के लिए अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे कृषि के व्यापार में प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। सोशल मीडिया पर उनके पुराने ट्वीट शेयर हो रहे हैं जिनमें दिख रहा है कि वो बड़े मोदी सपोर्टर हैं। अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी ने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान हर बातचीत से पहले गोल पोस्ट बदल रहे हैं। खेती कानूनों को वापस लेना कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए विनाशकारी होगा। नए कृषि कानून भारत को कृषि और कृषि प्रसंस्करण में एक नेता के रूप में उभरने में मदद करेंगे। वही महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के एक किसान नेता अनिल घनवट ने लिखा है कि नए कानून किसानों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता लाएंगे, नए कानून एपीएमसी की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश को बढ़ावा देगा और कृषि आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा। भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न गुटों में से एक नेता को ही चुना गया है और वो है भूपिंद्र सिंह मान। ये पूर्व राज्यसभा मेंबर है और सरकार के कानून के पक्ष में रहे हैं, इतना कि दिसंबर में ये कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी मिले थे और केवल कुछ संशोधनों की बात करी थी। कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन किसानों की सुरक्षा की भी आवश्यकता है और विसंगतियों को भी ठीक किया जाना चाहिए, ऐसा कहना रहा है इनका। अब इन चारों में से कमेटी का एक भी मेंबर नहीं है जिसे निष्पक्ष कहा जा सके। किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के ऑर्डर का आदर करते हैं, पर हम किसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, काले कानून वापस लिए जाए, यही एकमात्र मांग रहेगी। कोर्ट की भूमिका पर संदेह इसलिए भी उठता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की कई टिप्पणियां विवादास्पद रही हैं। एक बयान में अरविंद बोबडे ने कहा कि प्रदर्शन में वृद्ध और महिलाएं क्यों हैं? अब देखिए भाषा, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कोई उन्हें खींच के लाया हो, जैसे कि औरतें और वृद्ध तो किसान होते ही नहीं। कोर्ट की बात पर इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आम जनता के मूल अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण के लिए बना सुप्रीम कोर्ट, इनके फैसले और उनके मुख्य न्यायाधीशों के आचरण भी पिछले कुछ वर्षों में आम जनता के ऐसे रहे हैं कि आम जनता का सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा डगमगा गया है। चाहे वो SC ST एक्ट पर फैसला हो या कई बार आरक्षण पर फैसला, CANRC पर फैसले को विलंबित करना हो, और तो और पिछले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का अपना ऑफिस छोड़ते ही राज्यसभा मेंबर बन जाना। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि कोर्ट अब सरकार की एजेंसी ही बन गई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इस इम्पॉर्टेंट खबर को सबको बताएं ताकि पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, जजमेंट है, वो आखिर है क्या।
तो आप चाहे तो ऐसी ही खबरों को, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।